3, 2, 1. हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। गाइस, बज चुके हैं सुबह के 7:30। आज जल्दी उठना था क्योंकि कृष्णा को जाना है स्कूल। अभी मैं जा रही हूँ अंदर कृष्णा को उठाने, उसको तैयार करना है, स्कूल भेजना है। गाइस, कृष्णा जी यहाँ पे उठ चुके हैं, अब हम जाएंगे नहाने। कृष्णा होएगा रेडी स्कूल के लिए। चलो कृष्णा, रेडी फॉर स्कूल? ये जाओ फिर, कैसा जाएगा स्कूल? दीदी भी तैयार हो चुके हैं, राधे राधे, क्योंकि दीदी को जाना है मंदिर। दीदी को जाना है कालका जी मंदिर, वो हर मंडे को जाते हैं। जी और जिया जी हर मंडे को माता कालका के मंदिर जाते हैं, दिल्ली में है, उनकी बहुत मानता है माता कालका की, तो इसलिए वो भी सुबह सुबह रेडी। फिर हम चलते हैं स्कूल, वो जा रहे हैं मंदिर, फिर देखते हैं आगे का। बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कृष्णा जी चले गए स्कूल, उसके बाद मैंने किया अपने सारे घर का काम, उसके बाद मैंने नहा लिया, नहा के और फिर हमने लंच तैयार किया। आज हमने बनाए हैं लंच में दिल्ली वालों की पसंद छोले भटूरे, तो मैंने भटूरे नहीं बनाए, मैंने बनाए छोले चावल। तो ये देखो, ये हमारे छोले और ये हमारी चावल और ये साथ में दही, छोले चावल दही। भटूरे खाने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि गर्मी हो रही है, गर्मी में तला वाला खाने का ज़्यादा मन नहीं करता। कल रात को भी पूरी सब्जी थी, इसलिए आज हमने छोले चावल बना लिए। कृष्णा को भी पसंद है, वो भी स्कूल से आने वाला है, उसको भी मैं लेने जाऊंगी स्कूल से आके। कृष्णा, मैं, दीदी, हम करेंगे लंच। और दीदी आप क्या कर रहे हो? मैं बस अब सोई में, लंच बन चुका है, कृष्णा का वेट है। कृष्णा घर पे नहीं होता ना, हम बोर हो जाते हैं। बोर मेरा तो एक मिनट ही नहीं लगता उसके बिना, नहीं लगता, ऐसे लगता है बस हमारे घर पे कोई है ही नहीं। कृष्णा को लेने जाने का टाइम हो चुका है, एक्चुअली मैं जा रही हूँ कृष्णा को लेने, कृष्णा आ जाए उसके बाद मिलते हैं आपसे। बाय। कृष्णा जी घर पे आ चुके हैं स्कूल से। कृष्णा, कैसा दिन रहा? बहुत अच्छा। मजे करे स्कूल में? कितने मजे करे? ये कृष्णा आ गया है स्कूल से। कहाँ जा रहे हो? चीनी लाया। आ गया बच्चों? अरे वाह, मेरा भी तो आ गया। सब ठीक थी? खांसी तो नहीं आई? अरे वाह, पानी पीने कहाँ जा रहे हो? ये बैठे कैसे हैं देखो। इनको देख के पता नहीं क्यों मेरी हंसी निकल जाती है। तो गाइस, कृष्णा आ चुका है स्कूल से, अब हम कृष्णा को ब्रश करेंगे, उसकी यूनिफॉर्म चेंज करेंगे, उसके बाद अब हम करेंगे लंच, क्योंकि मैंने आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, कुछ भी नहीं। मुझे अब लग रही है भूख, मैं कृष्णा का ही वेट कर रही थी। तो कृष्णा तो आ चुके हैं, कृष्णा को फ्रेश करके, यूनिफॉर्म चेंज करके अब हम करेंगे लंच। हेलो, हमारा लंच फाइनली हो चुका है, पेट पूजा आराम से हो गई। ये देखो कृष्णा ने
पूरा लंच भी नहीं कर कर आता है स्कूल से। पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है, इसको घर में पकड़ के खिलाना पड़ता है, स्कूल में समझ नहीं आता मैं क्या करूँ इसको, कैसे खाया मैंने, तभी तो मोटा नहीं होता ढंग से। हमने एक वीडियो डाली है अभी यूट्यूब पे, चिंकी पिंकी वाली, उस पर बहुत सारा प्यार दिया लोगों ने, बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं। बस ऐसे ही हमारी वीडियो को प्यार दें, हमारे ब्लॉग्स को प्यार दें, हमें भर भर के व्यूज़ दें, लाइक दें, सब्सक्राइब करें। हम तो सिर्फ शूट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ब्लॉग डाल सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, लेकिन प्यार तो आप लोगों को ना, सब्सक्राइब देना, व्यूज़ देना, ये सब तो आप लोगों के हाथ में है, आप लोग ही दोगे। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, व्यूज़ दें, लाइक दें, सब्सक्राइब करें, बहुत सारा प्यार दें अपना, ताकि हम भी कुछ कर सकें आगे लाइफ में। कई लोग सोचते हैं कि हाउसवाइफ है, 24 आवर्स घर में रहती हैं, कुछ कर नहीं सकती। हाँ ठीक सोचते हैं, हम लोग हाउसवाइफ है, घर का काम करते हैं, घर का काम करना भी कोई वो आसान बात नहीं है। एक दिन जेंट्स लोग से कहो करके देखे, पता लगेगा उन्हें भी, बच्चे को संभालना, सारा काम करना, पूरा घर देखना, उसके बीच में हम अपने लिए थोड़ा वो टाइम निकालते हैं कि हाँ यार चलो थोड़ा शूट करते हैं, व्लॉग बनाते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं। पर आप लोग प्यार नहीं देंगे तो हमें भी लगेगा कि हाँ यार हम तो बस हाउसवाइफ ही हैं, इतने में सीमित है, हम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, यहाँ तक कि हम यूट्यूब पे ब्लॉग्स भी नहीं बना सकते क्या। जितनी भी लेडीज़ हैं उनके लिए भी है कि हाँ ठीक है, हम लोग बाहर काम करने नहीं जाते हैं, अपना घर संभालते हैं, अपने बच्चों को संभालते हैं, पर जो हमारा शौक है, मुझे शौक था कि मैं भी ब्लॉग्स बनाऊँ, यूट्यूब पे वीडियोस बनाऊँ, मैं पहले भी वीडियोस बनाती थी, मुझे शौक था कि मैं ये सब करूँ। तो आज मैंने कोशिश करनी चालू की है, मुझे नहीं पता मैं सफल होऊंगी या नहीं, पर कोशिश तो कर सकती हूँ ना, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, इसलिए इंसान को कोशिश करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि ठीक है आगे जाके पता नहीं, देखेंगे क्या होगा क्या नहीं, पर मेरा मन खुश है, हाँ मैं वीडियोस बनाती हूँ, लोग देखते हैं, प्यार करते हैं, वो हमें भी देखने में अच्छा लगता है, तो इसलिए कोशिश करते रहनी चाहिए, चाहे वो हाउसवाइफ है चाहे जो भी है, कोशिश करनी चाहिए सबको, मेरा तो यही मानना है, और लेडीज़ को तो खास करके करनी चाहिए। हाँ लोगों ने तो टैग लगा दिया, ये तो हाउसवाइफ है, ये तो बस हाउसवाइफ ही बन के रह गई। शाम को मिलते हैं, बाय। ये हेलो गाइस, जब भी बाय बोलती हूँ ये हेलो गाइस आ जाता है, बोलो हेलो गाइस। हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून है, गुड मॉर्निंग, ठीक है गाइस बाय। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, बज चुके हैं शाम के 7:30। कृष्णा गया था घूमने पार्क में, है ना कृष्णा, कहाँ गए थे? मैं ना मॉल गया था। झूठ, पार्क गया था। पार्क को इसने बना दिया मॉल, ये गया पार्क ही था, अभी घर पर आया है, अब हो गया इसके होमवर्क करने का टाइम। कृष्णा कर रहा है अपना होमवर्क। कृष्णा क्या कर रहे हो? मैं होमवर्क कर रहा हूँ। कौन सा होमवर्क? तो अक्षर के, हिंदी के, हिंदी। तो अब मिलते हैं हम इसको होमवर्क कराने के बाद, बाय। हेलो, तो हो चुका है कृष्णा का होमवर्क कंप्लीट, कृष्णा हो गया है फ्री। अब तू रसोई में क्या कर रहा है? अंदर जाना, अब हमें हमारा काम करने दे। अरे मैं तो आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ ना। हाँ ये मेरे साथ वीडियो बना रहा है। ये दीदी ने क्या बनाया है? दीदी का जुगाड़ ने बनाया है, इसमें है लड्डू और भुजिया मिला के दीदी को अच्छी लगती है। सही में वैसे लड्डू और नमकीन भुजिया जो मिर्चों वाली हो मिला के खाओ तो बहुत टेस्टी लगती है।
जब हम छोटे थे तो ऐसे खाते थे। आज दीदी ने बहुत टाइम बाद पता नहीं कैसे याद आ गया उनको, उन्होंने ये बना लिया, खाएंगे। अच्छा लगता है चाय के साथ, मजा आता है खाने में। हेलो गाइस, हो गया हमारा डिनर का टाइम। आज हम सब्जी के लिए इतना परेशान हुए, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या सब्जी बनाएं, इसलिए आज सबकी डिमांड पे हमने बना दिए आलू के परांठे। किसी ने खाए दही के साथ, किसी ने खाए मक्खन के साथ, खा लिए बस। सबका डिनर हो चुका है, दीदी रह गए हैं, दीदी का भी हो जाएगा। उसके बाद कृष्णा सो चुका है जल्दी, क्योंकि सुबह जल्दी उठा हुआ था, स्कूल जाना होता है इसलिए आज उसको जल्दी नींद आ गई। कृष्णा सो चुका है, हम भी बस करते हैं यहाँ पे अपने ब्लॉग का एंड। मिलते हैं कल सुबह वापस से अपने ब्लॉग के साथ। हो सके तो हमें बहुत सारा प्यार करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें। गुड नाइट, बाय बाय।